नमस्कार, इस समय हम लोग हथौड़ा में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे एक आपको बता दें कि मुफ्त जांच शिविर लगा हुआ है, जहाँ पे मुफ्त में जांच करके मुफ्त में ही दवा दिया जा रहा है। तो ये मेडिकल कैंप में हम लोग पहुंचे हुए हैं, कई सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, समाज सेवी शब्बीर अहमद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कई सारे डॉक्टर इनके साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आज हथौड़ा पहुँचे? आज हथौड़ा गाँव में हम हैं अपने पूरे डॉक्टर टीम के साथ, जिसमें मुख्य रूप से हमारे डॉक्टर एस के सिंह हुए, डॉक्टर मधुरेश बाबू हुए और ये हमारे डॉक्टर निकू बाबू हैं। बेहतरीन डॉक्टरों की टीम है, कई लोगों की टीम है, जो यहाँ के समाज सेवी जो लोग हैं, जो समाज की फलाह बहबूदी की काम करते हैं, जो राशिद इमाम साहब हैं यहाँ के, उनकी गुजारिश पर हम लोग जो यहाँ पर पहुँचे और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं वैसे अपने खुदा से, अपने रब से, इस ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि कोई बीमार नहीं पड़े और अल्लाह किसी को बीमार जो है नहीं करे, लेकिन इस बीमारी से कोई बचता भी नहीं है, तो इसमें डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत खुशी की बात है कि दरवाजे पर ही अगर कोई कैंप लगे और डॉक्टरों की टीम अपने कीमती वक्त को निकाल कर कोई आती है टीम, तो हम लोग को शुक्रगुजार हैं हम उन डॉक्टरों के, जो लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं इस हथौड़ा गांव में। और हमारे राशिद साहब के गुजारिश पे, एक अच्छे समाज सेवी नेक दिल इंसान हैं हथौड़ा गांव के, और उन्हीं के हम लोग जो है गुजारिश पर, उनके ख्वाहिश पर हम लोग यहाँ हैं। और हम चाहेंगे कि जो है ये डॉक्टरों की जो एक अच्छी टीम है, बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर सिवान में अब हैं जो हम लोग को पटना और गोरखपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। और फिर एक बार फिर मैं दुआ करूँगा कि कोई बीमार नहीं पड़े, लेकिन अगर कोई पड़ता है, कोई है, तो ये लोग अच्छे डॉक्टर हैं, इन लोगों से जो है खिदमत ली जा सकती है। चलिए, तो आपको बता दें कि जो जनपति राशिद इमाम जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, फ्री मेडिकल कैंप है, जिसमें कई सारे सिवान के सुप्रसिद्ध चिकित्सक पहुँचे हुए हैं और मुफ्त जाँच कर रहे हैं और दवा भी दे रहे हैं, कई सारे लोग भी हैं जी। बताइए क्या कुछ सबसे पहले तो हम जितने हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं उनको हम नमस्कार करते हैं और उनका एहसान मानते हैं कि राशिद इमाम के गुजारिश से वो लोग हथौड़ा आए और ये एक कैंप बना और लोगों का जो है मुफ्त इलाज हो रहा है। और उसके बाद अपने गांव के लोगों के हम शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने इसमें, हमारे गांव के लोगों ने सहयोग दिया और राशिद इमाम का जो है काम और राशिद इमाम का जो अखलाक है उसको लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने पसंद किया। हम अपने गांव के और अपने डॉक्टर साहब लोगों के, तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद हैं और इंशाल्लाह आगे भी राशिद इमाम जो है अपने गांव के लिए जितना हो सकेगा हर अच्छा काम जो गांव के फ़ायदे में हो वो करें। तो आपको बता दें कि मेडिकल कैंप यहां पे चल रहा है और मेडिकल कैंप में आपको बता दें कि फ्री दवा भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पे जो लोग भी हैं, जो जांच कराने के बाद वो आ रहे हैं, डॉक्टर से मिलने के बाद, परामर्श लेने के बाद आ रहे हैं और यहां पे उनको मेडिसिन दिया जा रहा है। और चलिए आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इलाज के लिए पहुँचे हैं, जो कि मुफ्त जांच करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी कतारें हैं यहाँ पे मरीजों की, सुबह से ही मरीज यहाँ पे जुट रहे हैं और कई सारे सिवान के सुप्रसिद्ध चिकित्सक भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जो लोग इस अपना कीमती समय निकाल के इस मेडिकल कैंप पर पहुँचा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सर आज आप लोग यहाँ पे मेडिकल कैंप पर? जी, मैं डॉक्टर मधुरेश हूँ। यहाँ पर राशिद भाई के इंतज़ाम से ग्राम हथौड़ा में कैंप लगा है, जिससे ज़रूरतमंदों को सभी तरह की मेडिकल की सुविधाएँ उपलब्ध होगी। खासकर अभी ठंड का आगाज़ हो रखा है, ठंड बढ़ गई है, तकलीफ़ें लोगों में तकलीफ़ बढ़ेगी, लेकिन राशिद भाई ने एक अच्छा पहल लिया है इस गांव के लोगों के, ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं ये पहल कामयाब हो और सभी लोगों को मदद मिले। यहाँ हमारे साथ सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स लोग आए हुए हैं और सारे तरह के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर आज? मैं डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर राशिद, ये राशिद भाई ने बहुत अच्छा पहल किया है। समाज में सबसे बड़ी बात है जागरूकता अभी नहीं है, इस चीज़ को लाना है और हम ही यंग लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने हम सारे डॉक्टर्स को बुलाया, यहाँ के लोगों को बुलाया, रिक्वेस्ट किया, आइए दिखाइए, समझिए और जागिए, अपने हेल्थ को लेकर कंसर्स होइए और सही समय पे इलाज पाइए।
यहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा, सही सुझाव दिए। कुछ चीज़ें हैं जो क्लिनिक में ही हो सकती है, उसके लिए भी हमने अवेयर किया कि आप आइए वहाँ भी दिखाइए, वहाँ भी आपको कंसेशनल रेट्स पे काम होंगे, कुछ चीज़ें फ्री में भी होती है जो जिनको ज़रूरत होती है। बाकी यहाँ भी मेडिसिन वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कराए हैं, इनको अच्छी मदद मिलेगी। राशि जी, आपके द्वारा ये कैंप आयोजन किया गया, सिवान से आप डॉक्टरों की टीम को बुलाए यहाँ पे, क्या लग रहा है सुबह से कितने पेशेंट अब तक यहाँ पे दिखा? सुबह से तो लमसम 100-150 पेशेंट देख चुके हैं, और हमको कैंप लगवाने का मेन रीज़न ये था कि चूंकि लॉकडाउन चला और समय और पैसे दोनों का अभाव को देखते हुए हमने सोचा कि अपने गाँव में एक मतलब डॉक्टरों की टीम बुलाकर एक कैंप लगाएं जो फ्री मुफ्त इलाज उनका हो और फ्री में दवा का वितरण हो, जिससे सहूलियत मिले पंचायतवासियों को, और आगे भी इंशाल्लाह ये काम हम लोग करते रहेंगे। आपको बता दें कि सिवान के हथौड़ा में हम लोग पहुँचे हुए हैं, हथौड़ा गांव में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, फ्री मेडिकल कैंप है जहां पे लोगों को जांच के साथ साथ तुरंत दवा भी दिया जा रहा है और भी कई सारे डॉक्टर। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सबसे पहले राशिद भाई को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे कैंप आयोजित किया, और जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी तो सर्द का मौसम है तो बच्चों में सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, और अगर प्रॉपर इलाज ना लिया जाए तो आगे चल के निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। तो राशिद भाई को अगेन थैंक्स कि फ्री कैंप ऑर्गेनाइज करके वैसे गरीब बच्चों को हेल्प किया और हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, थैंक यू। बिल्कुल, तो कई सारे डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का जांच हो रहा है, उसके बाद से जब यहाँ से लोग पर्ची लेके जा रहे हैं तो उनको दवा दिया जा रहा है। इसलिए इसके सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब आज आप लोग हथौड़ा में पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग सब लोग राशिद भाई के सहयोग से यहाँ पर हेल्थ कैंप लगाए हैं, और राशिद भाई ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा कुछ हम लोगों को समाज सेवा करने का मौका मिला है, और बहुत खुशी इससे हम लोगों को महसूस हो रही है। इस तरह के मेडिकल कैंप का आयोजन लगातार होने चाहिए क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे गांव में जो सक्षम लोग हैं वो तो हमारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो यहाँ हमारे तक पहुँच नहीं पाते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, जो अकेले रह रहे हैं गाँव में, उनको बहुत बार मिलता है कि उनका BP हाई है लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है, शुगर के पेशेंट हैं उनको पता ही नहीं रहता, उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, उन लोग का अगर इलाज होता है और उन लोग को अगर कुछ हम लोग से लाभ मिलता है तो बड़ी बहुत खुशी हम लोग को महसूस होती है। देखिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे या समय के अभाव में नहीं जा पाते हैं इलाज कराने के लिए सिवान में, तो उनको ये भी नहीं पता चल पाता है कि उनको कौन सा बीमारी है, या फिर BP बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, क्या स्थिति है, ये नहीं जान पाते हैं। यही वजह है कि इस तरह के कैंप लगाने से उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। यहाँ डॉक्टर अन्नू बाबू, जी सर, डॉक्टर अन्नू बाबू भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आज आप सिवान पहुँचे हुए हैं? नहीं, अभी डॉक्टर राशिद भाई का बहुत अच्छा प्रयास है जो गांव में उन्होंने कैंप लगाया, अभी सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर आए हुए हैं। मैं डॉक्टर अन्नू बाबू, मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। यहाँ आके मैंने भी अभी 25-30 मरीज़ देखा है, जिसमें पथरी के बहुत मरीज़ थे, गॉल ब्लैडर का पथरी, रेनल स्टोन का मरीज, तो इन सब मरीजों का ये अच्छा पहल है, और हम लोग हरदम आते हैं, गाँव में जाते हैं, शरीक होते हैं, ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। अनु बाबू जी से एक बात और जानना चाहेंगे, सर ये बताइए इस तरह के जो कैंप लगते हैं खास करके क्या बेनिफिट होते हैं गांव वाले लोगों को, और क्यों जरूरी है इस तरह? गांव वाले लोगों के बीच में हम लोग जागरूकता फैलाते हैं, गांव के बहुत लोग गरीब हैं जो कि बाहर जाके नहीं दिखा सकते हैं, मेरे पास क्लिनिक पे जाएंगे तो फीस देना होगा, ट्रेवल करके जाना होगा, आज उनके हम घर के पास आए, उनके लिए अवेलेबल है, वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है तो कम टाइम दे पाए, हाँ पैसे के अभाव में नहीं दिखा पाते हैं, यहाँ उन पे हम लोग फ्री में उनको सेवा दे रहे हैं, कुछ दवाई भी जो सैंपल रहता है हम लोग के पास, कोशिश करते हैं कि मरीज को दिया जाए, इस तरीके से पब्लिक से थोड़ा जुड़ने का मौका मिलता है, उन लोगों को भी अच्छा लगता है।